पहले कानून था, उस कानून में यह था कि 70% किसानों की सहमति होगी तो जमीन का अधिग्रहण हो सकता है, है ना जी। अरे ईब कानून आ गया कि जय किसी ने या जगह चाहिए, या तो नहीं या तो सामूहिक है, या जगह चाहिए, यो घर चाहिए किसी ने, तो इस घरवाले को चिट्ठी आ जाएगी, अगर जी तेरा यो जमीन इसकी रजिस्ट्री तेरे नाम पे है, तेरा यो आधार कार्ड है, तेरा यो बैंक का खाता है, तेरे बैंक के खाते में डीसी रेट के हिसाब से इतने रुपये गेर दिए, महीने में खाली गण का जुगाड़ कर ले अपने आप, जिसकी भी जमीन चाहिए है। और ये मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले 3 महीने पहले, अगर आपने देखी हो तो मेरे निडर इंडिया चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 4 भाइयों को चिट्ठी आ गई कि तुम्हारे खाते में इतने पैसे जा लिए, तेरे बाबू के नाम जमीन थी उस खाते में इतने पैसे जा लिए, अपने अपने बांट गए, अरे जमीन खाली करो या भैया एक प्रोजेक्ट लगना है कंपनी का। देखी होगी किसी ने, देखी थी। तो यो चालू कर दिया उनने। आज के टाइम पे भूमि अधिग्रहण कानून में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता सरकार मोर्चा का विजन यह है कि मेरी जमीन पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं तय करूंगा। इसीलिए अगर सबते गांव में 1000 घर हैं और 999 घर अपनी जमीन देने तैयार हैं और 1 घर अपनी जमीन देने नट है, तो अपनी सड़क ने अपनी फैक्ट्री ने उसके चारू कन्नी को क्यों करे बना, मैं नहीं देता मतलब नहीं देता, मेरी जमीन मेरा अधिकार होना चाहिए। गलत बात है जी भाई, जो 70% ने साइन कर दिया उनकी ले जाओ, जिन्हें नहीं करे उनकी नहीं जाएगी, हम यो मांगा जी। गलत है के? या तो थी पर्सनल जमीन की, सामूहिक जमीन की सुन लो, या चुपाड़ है क्या, या चुपाड़ सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, बेरा है इस बात का, बेरा है के? आपने बेरा ही नहीं, हाँ इनने बेरा है, आपने कौन बेरा, ठीक जी। इस चुपाड़ की, जोड़ की, अस्पताल की, स्कूल की, जंगल की, श्यामलात की, और जितनी बड़ी की या और जो भी सामूहिक जमीन जितनी भी थी गांव की, वह सारी जमीन सरकार ने अपने नाम करवा ली पक्की रजिस्ट्री, और अपन बेरा भी नहीं। यह जमीन किसकी थी, मारे पुरखिया की थी जिनने छोड़ रखी थी, क्यों जी, जब यू गांव बसा होगा, जब यह चपाड़ की जगह छोड़ी होगी तो अड़ोसी पड़ोसिया ने कहा होगा ले इतनी मेरी ले ले, तू अपने आड़ी उड़े सरकार ले या करके, इतनी जगह बनी थी या तब जाके परस बनी थी सारा की, या सब की है, लेकिन यह सरकार की है। और सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि 6000 स्कूलों को प्राइवेट कंपनियों को ठेके पे दिया जा रहा है, जो कर रेलवे दे दिया, बेल दे दिया, हेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दी, रोड दे दिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दे दी, आर्मी बेच दी, जो कर पुलिस बेचने लग रहे, न्यू है आपके गांव के स्कूल भी बिकने की तैयारी में, महाराष्ट्र के रिवियाड़े के भी बिकेंगे सारे, इब स्कूल बड़े बैठे हो, थोड़े दिन में यार अडानी का बोर्ड लगने वाला है और लिख देंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ट्रेसपासर्स विल बी एग्जीक्यूटेड, अंदर घुसने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपन हमारी जमीन थी भाई, गायब होगी। हमारा अगला है कि जितनी जमीन लॉकडाउन में या पुराने टाइम में तुम लोगों ने अपने नाम करी है, वापस पंचायत के नाम हमारी जमीन होनी चाहिए, ये हमारा अगला टारगेट है। गलत है, सही है जी, सही है। तो गांव ने उठना पड़ेगा कि नहीं उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। रास्ता नहीं है आपके पास, कोई आपके पास राय नहीं है, पर्सनल जमीन ने बचाने खातर आपके पास लोन वाला हथियार अपने पास आ गया, सारे गांव ने कर्जा मुक्ति की गारंटी जनता सरकार मोर्चा की, जब अगर आप अपने बालकों की शिक्षा पर काम करने तैयार हो तो, अगर आप अपने जंगल दोबारा से खड़े करने तैयार हो तो, अगर आप अपने डांगरा ने दोबारा बचाने खातर, अपने गांव ने बचाने खातर आप खड़े होते हो, तो एक एक आदमी के कर्ज मुक्ति की गारंटी मारी भाई, लेकिन गांव अपना अपना बचाना पड़ेगा, मारा कुछ नहीं करना आपने, मारे लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अपने लिए करना, क्योंकि मन ने न्यू बेरा है। अब भाई जब गांव में नशेड़ी होंगे, गांव में बंदूक लेने वाले होंगे, गांव में डिप्रेशन के मरीज होंगे, तो कल ना मेरे छोरे ने उतना ही खतरा है जितना आपके बालक ने है, तो कहा करते बड़े बुजुर्ग के बालक तो सबके साथ ले हुए जी, एक भी बालक खराब हो गया तो नहीं समझ लो जब बालक मेरा होता तो क्या होता। तो अपने गांव ने चर्चा करनी बंद कर दी, शरीफ लोगों ने, ईमानदार लोगों ने बोलना बंद कर दिया, इसलिए लुच्चे गुंडे ज्यादा चौधरी बन गए। आप 4 बार मीटिंग बुलाओगे ना, जिनकी पॉलिटिकल एंबिशन है, जो पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम है, जो उनका पटका पहन के जो घूमते हैं, उन लोगों के कीड़े उठेंगे दिमाग में, अगर इनकी या मीटिंग पाड़ो, इनकी या पूरा उठाओ, इनका यो मतलब इनका टेंट जमन नहीं देना। आप 3 बार 4 बार बुलाओ अलग अलग मोहल्ला में, वो जो इस टाइप के लोग होंगे उनकी पहचान कर लो, लिस्ट बना लो, ये है वह लोग जो गांव का काम नहीं होने देंगे, उन रिजेक्ट कर दो पढ़ो। जब उन जब गांव राम की खासियत हो जा रहा है, जब वह जात घेर दिया करें ना, सबसे बड़ी सजा हो जा रहा है, खानदानी बट्टा लगा उनका, आना पड़ेगा उन्हें गांव की गेल, वे पॉलिटिशियन की गेल नहीं रह सकते, पार्टियां गेल नहीं रह सकते, क्योंकि गांव की बदौलत है उनकी, बड़ा पूछो है तो गांव में नहीं पूछेगा, उन्हें मारेगा गांव उनके पछवाड़े पर लात, उन्हें कौन पूछेगा उन्हें फिर, क्यों जी,
फिर उन फिर मैं तड़े तड़े सपोलिया की डाल पड़ेंगे फिर हमारे बीच में, फिर हमने पहचान लेगी इतना क्यों जी।